सभा आरंभ होती है। कहिए महोदय, क्या कहना चाहते हैं? हम शांति प्रस्ताव लाना चाहते हैं। आपकी पार्टी सबसे ज्यादा शांति फैलाती है, लेकिन ये थी वो दुनिया जहां समझदार लोग बसते हैं, और ये है वो दुनिया जहां वो लोग बसते हैं जिन्हें समझदार लोग पागल कहते हैं। आप यकीन मानिए मिसेस भरूचा, वी केयर हॉस्पिटल इज नॉट अ हॉस्पिटल। बट इट इज अ हॉस्पिटल, माय लॉयर टोल्ड मी इट इज अ हॉस्पिटल, इसीलिए मैं डोनेशन देना चाहती हूँ। नो नो, वी केयर हॉस्पिटल हॉस्पिटल नहीं है, मतलब हम इसे हॉस्पिटल नहीं एक मंदिर मानते हैं। हम यहाँ पेशेंट्स को वो जिंदगी देते हैं जो उन्हें किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं मिल सकती। डॉक्टर मलिक, कल पता चला आपको क्या हुआ? जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों को कायर डायर ने भून दिया। हमारी अभी अभी गांधी जी से बात हुई है, बहुत दुखी है वो। कल बाहर अस्पताल के मैदान के सामने एक सभा का आयोजन किया है, गांधी जी मुख्य अतिथि होंगे। नेहरू जी, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, तात्या टोपे अपने पोते के साथ आएंगे। बहादुर शाह जफर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकेंगे। उनकी नज्म पढ़ी जाएगी। सब मिलकर अंग्रेजों को ये दिखा देंगे कि हमें कितनी ताकत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गंगाधर, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट, 10 साल से इस हॉस्पिटल की शोभा डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। आज भी कभी कभी समझते हैं कि देश आजाद नहीं हुआ है। दरअसल फ्रीडम फाइटर्स पर किताब लिख रहे थे, किताब पूरी करते इससे पहले ये खुद अधूरे हो गए। वंदे मातरम। साफ सुथरे कपड़े साफ सुथरे दिमाग की निशानी है, और साफ सुथरा दिमाग साफ सुथरे समाज की निशानी है। Is that clear? Is that clear? Is that clear? Yes, sir. डब्बू, डब्बू, सिलेक्टिव म्यूटिज्म का पेशेंट, इसके आगे पीछे का किसी को नहीं पता। 4 साल का था तब से यहाँ है। ये लास्ट कब बोला था कोई नहीं बोल सकता, और कब बोलेगा ये भी कोई नहीं बोल सकता। क्या कर रहे हो? डब्बू, क्या कर रहे हो ये? अरे दिखता नहीं क्या, कुत्ते को डंडा मार रहा है। यहाँ पर तो कुत्ता नहीं है, डंडा भी तो नहीं है। देश में डिसबैलेंस क्यों है? डब्बू जानना चाहता है कि डिसबैलेंस क्यों है। क्योंकि एक आदमी 4 आदमी का खाना खाता है और 3 भूखे रहते हैं। इस तरह कचरा फेंकने से हर तरफ कचरा होगा, हर तरफ कचरा होगा तो फसल कचरा होगी, फसल कचरा होगी तो खाने को होगा कचरा। शुरू हो गया सफाई कर्मचारी। अरे पहले क्या म्युनिसिपैलिटी में काम करते थे? म्युनिसिपैलिटी में होता तो काम थोड़ी करता। बैठ बने कुर्सी पर, बैठ आओ। अरे यार, तुम हर चीज को उल्टे तरीके से क्यों देखते हो यार? अब हो सकता है कि पैर कुर्सी पे नहीं, कुर्सी पैर के नीचे है। राजा, कुर्सी पे से पैर हटाओ वरना मैं कुर्सी हटा दूंगा। हटा के दिखा। अच्छा राजा, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर का पेशेंट, गुस्सा इनकी नाक पर नहीं हाथ पर रखा होता है। ये इनसेली उस अंपायर को पता चला था जिसका सर इन्होंने इसलिए फोड़ दिया था क्योंकि उसने इनकी बॉल को नो बॉल बोल दिया था।
लगता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कह के हॉस्पिटल को भूकंप प्रूफ बनवाना पड़ेगा, ताकि फिर से भूकंप आए तो कुर्सियां ना टूटे। क्यों राजा, ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मुझसे नजर ना मिला सको? मैं समझ सकती हूँ कि दवाइयां बंद हो जाने से तुम लोग थोड़ा अनईजी फील कर रहे होगे, इट्स क्वाइट नॉर्मल। पर मैंने तुमसे कहा है ना कि गुस्सा आने पर 10 से 1 तक गिनो, गुस्सा अपने आप चला जाएगा। कभी कभी मौका ही नहीं मिलता। I'm sorry. देखो सोनाली, आपके घर पे सब ठीक है ना, बेटी और पति? हाँ? नहीं, मैं उनको चेकअप करना चाहूंगा। मैं आज राउंड पे हूँ, मैं डॉक्टर मुखर्जी हूँ। थे कुछ साल पहले, अभी पेशेंट है। मिस्टर मुखर्जी, अपना कोट उतारिए और आज के बाद किसी डॉक्टर के कपड़े मत पहनिएगा, चलिए प्लीज। मुखर्जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट, इन्हें साफ सफाई करने की इतनी बीमारी है कि कहीं कचरा करने पर ये आपका कहीं भी कचरा कर सकते हैं।